सर आज 124 दिन हो गए हैं हमको ट्रेन का स्ट्राइक और स्ट्राइक पे बैठे हुए, तो हम जम्मू प्रशासन से एलजी साहब से यही गुहार करते हैं कि इन मंदिरों का को बचाना है तो श्राइन बोर्ड बढ़ाना है। अगर श्राइन मंदिरों को बचाने के लिए श्राइन बोर्ड बहुत ज़रूरी है। आप नए नए मंदिर जम्मू में लॉन्च कर रहे हैं, जैसे बाला जी का मंदिर आपने करोड़ों के भी अरबों रुपये की लागत से जम्मू में लॉन्च किया है, लेकिन जम्मू के जो मंदिर हैं पुराने बने हुए मंदिर डोगरों की धरोहर है, वो खंडरात बन रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले मंदिर बनाने से पहले इन मंदिरों की सुध ली जाए और मंदिरों में जो काम करने वाले मुलाजिम हैं कर्मचारी हैं उनकी भी सुध ली जाए, ताकि मंदिरों की भी देख रेख हो और मुलाजमों की भी देख रेख हो। अगर मंदिर रहेंगे तो जम्मू रहेगा, क्यों जम्मू जो है वो मंदिरों का शहर है, मंदिरों के शहर से जाना जाता है। और जहां पर कोई भी ऐसा काम नहीं है जिससे टूरिस्ट आए, अगर वैष्णो देवी एक है तो ट्रेन जो है सीधे वैष्णो देवी चलेगी, श्रीनगर लोग जाते हैं स्नोफॉल देखने, जम्मू में क्या है सिर्फ मंदिर। मंदिरों को बचाना बचाओ, जैसे उत्तरवैनी परमंडल सुधमहादेव रघुनाथ मंदिर रणवीरेश्वर मंदिर शंकराचार्य खीर भवानी, इनको व्यवस्था ठीक करो और ख़ास करके उत्तरवैनी और परमंडल को टूरिज्म सेंटर प्लेस बनाओ, जिससे बाहर के लोग जितने भी आए टूरिस्ट जम्मू में प्राथमिकता दें, जैसे वैष्णो देवी को प्राथमिकता देते हैं उसी प्रकार ये जम्मू को भी प्राथमिकता दे और जम्मू में रहें, और जिससे सब व्यापारियों का भी भला हो, कारोबार भी चले फले फूले। अगर मंदिर नहीं रहे तो जम्मू का कारोबार जो स्वाहा हो जाएगा, विशेष करके हम बीजेपी का लोगों को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि वो भी बीच में आए, ये आपका काम है हमारा काम नहीं। मंदिरों की पार्टी है, मंदिरों के नाम से वोट लेते हो और मंदिरों पे ही सारा काम करते हो, मंदिरों के नाम से ग्राही भी करते हो, लेकिन ये आपका काम है, ये मुलाजिमों का काम नहीं, जम्मू की जनता का काम है मंदिरों को बचाना। बीजेपी का नहीं आया इधर कोई भी नहीं आया, आश्वासन देते हैं विश्व हिंदू परिषद सनातन धर्म सा सिर्फ पीछे से आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ हैं, कोई साथ नहीं। ये वहाँ पर साथ होते हैं जहाँ पर इनका निजी फायदा हो, अपने फायदे के लिए काम करते हैं। देख लो हम बोल रहे हैं कि जम्मू की जनता बीजेपी के पर भी बहुत सताई हुई दुखी है कि ऐसा ना हो कि आने वाले समय में बीजेपी का लोग साथ छोड़कर किसी अन्य पार्टी के में चले जाएं। वो देश का खाते हैं और पाकिस्तान के गुण गाते हैं, उनको सब कुछ मिलता है, नौकरी उनको मिलती है, इन वोट जाते हैं कि सब पार्टियों को मिलकर पूरी जनता को मिलकर इसका उद्धार करना है। अगर ये श्राइन बोर्ड में ही धर्मार्थ जाएगा तो तभी इसका उद्धार होगा, नहीं तो इसका कुछ नहीं बनने वाला।